मेरा नाम नवीन है, मैं यहीं गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ। मेरे को ACL इंजरी राइट नी के अंदर हुई थी। मैंने ऑपरेशन कराया RTMS डॉक्टर मनु बोरा से, जिसके बाद नेक्स्ट डे से ही मैं वॉकिंग करने लग गया बिना किसी सपोर्ट के। इस टायर की वजह से इस टायर को उठा बेटा, चलो उठा, वेरी गुड, मेरा ऊपर नहीं, जितना तेज करेगा उतना जल्दी जल्दी हो जाएगा, धीरे धीरे ज्यादा करेगा बहुत दर्द होगा। मैं स्टिचेस पर डर, कभी टूटना नहीं। चुप, हमें डर नहीं है क्या? कभी डर है? स्टेप का देखो लोहा लगा है, इसको आगे रख, दबा, कोई दर्द हो रहा है तो 90 डिग्री से बैंड कर दिया हमने, नहीं कोई दर्द नहीं है, नहीं वेरी गुड, टीचर है इसको बता बता ना, अभी ब्रांड करने पे नहीं हो रहा है। हाँ नहीं होगा सर, मैं बैठा हूँ ना, रोज देखते हैं पेशेंट, नहीं होता पेशेंट सर। चलो मोड़, लेकिन जैसे ही ऐसे सीधा रख रहा तब ज्यादा दर्द होता है। कुछ दर्द नहीं होगा, सब बताएं कैसे दर्द कम करना है। चलो कहाँ 90 डिग्री बैंड कर दिया, कोई दर्द नहीं, नहीं दर्द नहीं, सुबह तो चला भी था ये, अभी चलाएंगे भी, ठीक है अब वापस ले इसको आगे, बढ़िया है, कोई दर्द हल्का सा होता है, फिर नहीं होता, फिर नहीं होता ना। मेरा नाम नवीन है, मैंने अभी 9 डेज पहले ऑपरेशन कराया था 15 जून को, और अब मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ, और जिससे कि मेरा पैर अब 120 डिग्री तक मूव होता है बिना कोई पेन के, और मैं बिना किसी पेन के चल भी पाता हूँ बिना किसी सपोर्ट के, और लंजिस करता था, स्क्वाट्स करता था। अभी इतना बैंड करने में दर्द हो रहा है क्या? नो सर, कोई दर्द नहीं है, नहीं सर। पैर सीधा करो, दूसरे वाले पैर की मदद से कर, ऊपर उठा, कोई तकलीफ हो रही है पैर बैंड नो करने सर। में? मेरा नाम नवीन है, मेरा ACL इंजरी थी जिसका ऑपरेशन 15 जून को हुआ है, और आज मेरे को 2 वीक्स 16 डेज हो चुके हैं, और मैं सारी एक्सरसाइज बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बेंडिंग में अप्रोक्स 110 डिग्री और 120 तक कर पा रहा हूँ, स्क्वाट्स लंजिस करने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और मैं बड़े आराम से कर पा रहा हूँ। हाँ दिक्कत हो रही, बहुत बढ़िया कर रहे थे, बहुत बढ़िया, और उसके 1 मंथ के बाद ही मैं ड्राइविंग करना मैंने शुरू कर दिया, मेरे को कोई पेन नहीं हुआ आफ्टर ऑपरेशन, मेरे को कोई पेन नहीं होता था, और मैंने 1 मंथ के बाद जैसे ड्राइविंग शुरू किया, 50 डेज मेरे को हो चुके हैं अप्रोक्स, मैंने जॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, और प्रॉपर मैं स्क्वाट्स कर पा रहा हूँ, लंजिस कर पा रहा हूँ, जैसा मेरा लेफ्ट नी था वैसे ही मेरे को अब राइट नी में फीलिंग आती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो गया है। को है ना 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, कितना टाइम हुआ है ऑपरेशन को? 50 डेज के आसपास हुआ है। 50 डेज के आसपास हुआ है, आज ये सब एक्सरसाइजेज आपको चालू कराएंगे, जिसको बोलते हैं ACL रिहैब प्रोटोकॉल। ज़्यादा आगे जाएगा जी, धीरे धीरे, कोई दिक्कत हो रही है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ये ऑफ हो गया, नहीं ऑफ नहीं हुआ है, चलने दे,
अभी इसके बाद वॉक जंप। अलग अलग डायरेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं, ठीक है बिल्कुल। यस, साइड वॉक भी खराब है, स्क्वाट करके साइड वॉक और नीचे नहीं, नीचे आएगा साइड वॉक करेगा। अब ये एक्सरसाइज देखो थेरा बैंड के साथ करनी है, थाई में थेरा बैंड का, ठीक है। अब सिंगल लेग स्क्वाट, सिंगल लेग में एक पाँव पे खड़ा होकर नीचे जाना है धीरे 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 धीरे, दूसरे पाँव रखना अपना ऊपर, दूसरा पाँव रख, हाँ ना देखो देख, हल्का पाँव उठाना है धीरे 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 नीचे जाना है, दूसरा पाँव रखना है ऊपर आना है, धीरे 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 सिंगल लेग पे स्क्वाट कर सकता है, वेरी गुड। इस पे कर बैलेंस धीरे धीरे स्लो स्लो कर, ठीक है। आज ये पहला दिन है, ये बैलेंस ट्रेनिंग चालू हो रही है, बैलेंस ट्रेनिंग रोज करेगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, बाकी जॉगिंग वगैरह चालू हो जाएगा। अभी एक छोटा सा मैसेज दे दे, क्या बताना चाहेगा मेरी सर्जरी के बारे में? जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे कह सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट 100% बिल्कुल सही है, और मेरे को जहाँ तक लगता है जैसे डॉक्टर ने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से मेरा बिल्कुल सही रिकवरी पर जा रहा हूँ। आई थैंक्स टू डॉक्टर मनु बोरा दैट कि उन्होंने मेरा ACL का ऑपरेशन किया, नाउ आई एम हैप्पी। क्या होता था कि एक साल या 8 साल के पीरियड में मेरी नी हर बार बार डिसलोकेट होती थी, उसके बाद मैंने डॉक्टर मनु बोरा की यूट्यूब्स पे थोड़ी वीडियोस देखी, जिससे मेरे को पता चला कि पेनलेस, जैसे कि आप देखते हो यूट्यूब्स वगैरह पे और जो पेशेंट होते हैं उनका रिजल्ट मैंने देखा, तो मैंने डॉक्टर मनु बोरा से बात की। अभी जून में ही मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं 1 मंथ के बाद ही ड्राइविंग करने लग गया, और अभी मैं आज खुद ड्राइविंग करके सर के पास आया हूँ। 1 मंथ के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था अपना। हाँ सर, अभी सर को मैंने अभी जॉगिंग करके दिखाई है सर, और मैं अभी कर भी रहा हूँ, 2-3 वीक्स हो गए हैं मैं जॉगिंग खुद कर रहा हूँ, स्क्वाट्स कर रहा हूँ, लंजेस कर रहा हूँ। हाँ जी, सर बिना सर्जरी के मैं आपसे बताऊं, मैंने 8 साल मेरी चोट है, मैंने बहुत रिसर्च की, बिना सर्जरी के ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिना सर्जरी के ठीक होता है अगर तुम्हारा पार्शियल टियर है, जब आओगे तब वो देखेंगे, अगर मुझे लगेगा तुम्हारा पार्शियल टियर है तो बिना सर्जरी के। ये हमारा पेशेंट नवीन है, इसका कंप्लीट टियर था, तो हर पेशेंट का इलाज अलग रहता है, तो ये सिर्फ ऑपरेशन के बारे में बता पाएगा तुम्हें, बिना सर्जरी के बारे में नहीं बता पाएगा। हाँ सर, अभी वही आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह पे डिपेंड है, आप जितना प्रॉपरली करोगे जल्दी रिजल्ट आएगा आपका, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ मेरा रिजल्ट बिल्कुल ओके है। My name is Dr. Manu Bora. Professionally, I am an orthopedic surgeon, mainly specialized in the field of sports medicine. I help people and athletes to get back into sports stronger and faster after injuries and help them to lead a pain-free and an active life. I work as an orthopedics and sports injury consultant in Artemis Hospital, Gurgaon.